है बाइबल को नॉवेल समझ के ना पढ़े। या जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमने बाइबल को 5 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, 15 बार। यार बाइबल नॉवेल थोड़ी है मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल जो है वो नॉवेल नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है पास्टर पैट्रिक फ्रांसिस और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे 32 साल प्रभु की सेवकाई करते हुए हो गए हैं। 32 साल तक मैंने प्रभु की सेवकाई करी है और प्रभु ने मुझे बहुत सी आशीष दी हैं। खासतौर से उसने अपने वचन की आशीष, वचन का ज्ञान दिया है, वचन के भेद उसने मेरे ऊपर प्रकट करे हैं। और इसी वजह से मैं, हमारा एक चैनल आता है होप टीवी चैनल जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर होता है, तो होप टीवी चैनल पर भी मैंने प्रचार किया है और बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया है। और इसलिए मैं आपके सामने एक सीरीज लेकर आया हूँ प्रकाशित वाक्य की और उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। जी हाँ, आप सबके लिए एक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है वो समझ में नहीं आती है और उसके अंदर जो लिखी बातें हैं वो हमारी समझ से बहुत परे है, हम उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही सोच है, बिल्कुल सही बात है इस बात को। आखिर इसका कारण क्या है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक समझ में क्यों नहीं आती? इसका जो मेन कारण है वो है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी है और बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स के सिस्टम है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा आंकड़े जो है, अंक जिसको अंक विद्या कहते हैं या अंक नंबरलॉजी जिसको कहते हैं, ये बहुत सी बातें हैं जिनको समझना सही में हर एक के बस की बात नहीं है। मगर ऐसा भी नहीं है कि इसको समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है वह हमें इन सारी बातों की शिक्षा देता है और वह हमें सिखाता है। ये तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की बात है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आज बहुत से लोग बाइबल को, जो परमेश्वर का वचन है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से हटकर, और भी बहुत सी किताबें हैं बाइबल में जो इंसान समझ नहीं पाता, वो सोचता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम उसको समझ सकते हैं, मगर वो आज भी बाइबल को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। बहुत से अक्सर लोग मुझसे एक बात कहते हैं कि हमने बाइबल को 5 बार 10 बार 15 बार पूरा पढ़ लिया है। बाइबल को 5 बार 10 बार 15 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके समझ में आने लगी। देखिए, बाइबल को समझ में आना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उसमें लिखी बातों को समझेंगे नहीं कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है या क्या बताना चाह रहा है, परमेश्वर की फीलिंग को जब आप नहीं समझेंगे तो आप उसकी बात को पूरा कैसे करेंगे? ये बड़ी विडंबना है हमारे जीवन में कि हम लोग बाइबल को जो है समझ नहीं पाते। इतना पढ़ने के बाद भी इंसान के समझ में नहीं आते। बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन बाइबल को पढ़ने में, प्रचार करने में, लोगों को बताने में, लोगों को समझाने में लगा दिया, मगर इसके बावजूद भी उनके भी समझ में बाइबल आती नहीं है, वो भी ठीक से समझ नहीं पाते या समझा नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका मेन जो कारण है वो है कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं आता है। उसका तरीका जो है, पढ़ने का जो तरीका है वो हमें नहीं मालूम है कि बाइबल को किस तरीके से पढ़ा जाता है। आज इससे पहले कि हम प्रकाशित वाक्य की सीरीज को शुरू करें, हम बाइबल के पढ़ने के तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। जब तक हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं, उसका समझने का तरीका नहीं मालूम होगा, तब तक हम उस वचन की गहराई को समझ नहीं सकते हैं। तो कुछ तरीके हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि बाइबल को पढ़ने का तरीका क्या है, उसको कैसे पढ़ा जा सकता है, उस बाइबल को कैसे समझा जा सकता है, उसकी बातों को कैसे याद रखा जा सकता है। आज ये बातें हम आपके सामने रखेंगे। पहला पॉइंट है, आप अपने, सबसे पहली चीज, आप अपने उन पापों के लिए, देखिए परमेश्वर का वचन बहुत पवित्र है, उसको समझने के लिए एक पवित्र बुद्धि की आवश्यकता है, एक पवित्रता की आवश्यकता है। और पवित्रता हमारे जीवन में कब आती है? जब हमारा जीवन पवित्र होता है। जब हमारा जीवन पवित्र होता है तब जो है परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में आती है। जैसे रोमियो 12 अध्याय और उसके पहले पद में पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर की दया स्मरण करा कर तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम अपने आप को पवित्र और शुद्ध और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कि सबसे पहले वो कहता है कि हम अपने शरीरों को पवित्र और जीवित करें।
जीवित पवित्र करने का मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र करें, उसका वचन जो है वो पवित्र है, उसके लिए उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए अपने आप को पवित्र करें। तो सबसे पहली चीज, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे पाप हैं, बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी हमने आज तक क्षमा नहीं मांगी। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ने से पहले हम जाएं, घुटने टेकें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हम तेरे वचन को समझना चाहते हैं, उसका तरीका चाहते हैं कि पढ़ने का क्या तरीका है ताकि हम उसको समझ सके और उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सके। इसलिए हमें शुद्ध कर, हमें अपने पुत्र के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, हमें पवित्र बना ताकि हम पवित्र हो सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है पहला पत्रस और पहला अध्याय उसका 16वां पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। जी हाँ, देखिए परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर के मुख से निकला है और जब वो हमारे जीवन में पहुंचता है तो वो हमारे जीवन को पवित्र बनाता है, मगर उसको अपने जीवन में लाने के लिए हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे जो बहुत से पाप होते हैं उन पापों की क्षमा मांगो जिसके अभी तक क्षमा नहीं मांगी है। दूसरा पॉइंट है कि उसको पढ़ने के लिए परमेश्वर से हम बुद्धि और समझ मांगे, क्योंकि दूसरा तीमुथियुस 3:16 लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। हर एक पवित्र शास्त्र यानी परमेश्वर का पूरा वचन जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, और ये प्रेरणा जो है परमेश्वर ने मनुष्यों को लिखने की जो दी है या समझने की जो दी है ये पवित्र आत्मा के द्वारा दी है। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होगा, पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा, हम परमेश्वर के वचन को ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते, हमें तरीका नहीं आएगा पढ़ने का कि उसका तरीका क्या है। तो ये तरीका जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है। हमने लिया कि अरे चलो मन कर रहा है बाइबल पढ़ने का, चलो बाइबल पढ़ लेते हैं, या बहुत से लोग क्या करते हैं, या समय पास नहीं हो रहा चलो समय पास करने के लिए बाइबल पढ़ लेते। नहीं नहीं, ये चीज हमारे जीवन में बहुत गलत होता है। आपका मन कर रहा है कि चलो आज बाइबल पढ़ ली जाए, नहीं, हमारा रोज मन करना चाहिए, मगर बाइबल पढ़ने का आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, आप परमेश्वर के वचन को क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों जानना चाहते हैं। या आप जो है हफ्ते भर के बाद, महीने भर के बाद, या 2 महीने के बाद बाइबल को पढ़ रहे हैं कि चलो आज बाइबल पढ़ ली जाए, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत तरीका है कि जब चाह, या बहुत से लोग क्या करते हैं जब चाह उन्होंने बाइबल उठाई और पढ़ने बैठ गए। नहीं, ये सारी चीजें जो होती हैं गलत होती है और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने परमेश्वर के वचन की तोहिन करते हैं, हम अपने परमेश्वर के वचन की बहुत ज्यादा तोहिन करते हैं, और यही कारण होता है कि परमेश्वर का वचन जो है हमें ठीक से समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है इसको पढ़ने का, क्यों पढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, ये परमेश्वर के और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो परमेश्वर का ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि लोगों को बता सकें कि परमेश्वर जो है क्या चाहता है, उसकी फीलिंग क्या है, वह क्या इच्छा हमसे चाहता है, ये सारी चीजें होती हैं। दूसरी चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चौथा जो पॉइंट है यहाँ लिखा है, बाइबल को नॉवेल समझ के ना पढ़ें। जी हाँ, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमने बाइबल को 5 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, 15 बार। यार बाइबल नॉवेल थोड़ी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल जो है वो नॉवेल नहीं है कि ली और बस पढ़ते, एक सिरे से वो पढ़ते चले गए, ऐसा नहीं है। बाइबल को अगर हम नॉवेल समझ के या किताब समझ के या कोई कथा कहानी समझ के पढ़ रहे हैं तो ये समझ लीजिए हम बहुत गलत कर रहे हैं, कभी भी समझ में नहीं आ सकती है। बाइबल को धीरज के साथ, पवित्रता के साथ हम पढ़ें। और लिखा हुआ है बाइबल को पूरे मन की तैयारी के साथ आपको पढ़ना चाहिए, कि परमेश्वर के वचन से आप कुछ पाना चाहते हैं, आपके मन की तैयारी होनी चाहिए। और इस मन की तैयारी के लिए जो पीछे जो पॉइंट दिए गए हैं उनको अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं कि हमारे मन की तैयारी होना चाहिए कि हम परमेश्वर से क्या है, परमेश्वर की उन बातचीत को समझना चाहते हैं जो परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा हम तक पहुंचाई, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हम तक पहुंचाई। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन जो है लगभग 40 लोगों ने लिखा है, और ये 40 लोग अलग अलग सोच विचारों के थे, अलग अलग जगहों के थे, मगर जब वो बाइबल को पढ़ते तो ऐसा लगता है कि किसी एक ने लिखी है ये, क्योंकि ये बिल्कुल एक सीरियल में चलती है हर बात जो है, और ये परमेश्वर की बात है। और मैंने पहले ही आपको बताया कि परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी है, और ये प्रेरणा जो है मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोगों को मिली है जिन्होंने लिखी है, और इसलिए ये ऐसा लगता है कि
एक ही व्यक्ति ने इसको लिखा है, जबकि 40 व्यक्तियों ने अलग अलग लिखी है। तो इसको समझने के लिए हमारे मन की तैयारी जो है पूरी तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर छठा जो पॉइंट है, यहाँ छठा पॉइंट है, बाइबल पढ़ने के लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए। जैसा मैंने अभी कहा ना, जब उठा, जब मन करा हमने उठाई और बाइबल पढ़ने बैठ गए, नहीं, ये बड़ी पवित्र है, बहुत पवित्र पुस्तक है। और जानते हैं आप, जब आप यूहन्ना 17 अध्याय और उसका 17वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखित रूप में एक बड़ी लंबी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की, जो वो परमेश्वर से कर रहा है। और उसके 17 के 17वें पद में कहता है, हे प्रभु सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। देखिए, एक चीज है सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, और वहां लिखा है कि तेरा वचन सत्य है, कि हम इस सत्य के द्वारा जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो हम पवित्र होते चले जाते हैं। मगर उसको पढ़ने का हमें तरीका मालूम होना चाहिए। हम एक समय निर्धारित करें कि ये समय हमारा बाइबल पढ़ने का है और किसी काम का नहीं है। मैं किसी काम में अपना मन नहीं लगाऊंगा। मैं अगर इस समय कोई मुझसे कितना भी जरूरी व्यक्ति भी मिलने आ जाए, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, मैं वो काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की वो बातचीत को पढ़ रहा हूं, वो बातचीत को सुन रहा हूं, वो बातचीत अपने जहन में रख रहा हूं जो परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा मेरे लिए कही। तो उसके लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए ना। हम देखिए, हम लोग जब अपने, हमारा फ्रेंड सर्किल है या हमारा पड़ोसी है या हमारा जो भी मित्र है, हम हर समय तो उससे बात नहीं करते रहते ना। हर किसी से एक समय होता है बात करने का। आपके माता पिता के लिए जब जरूरत होती तब आप बात करते, भाई बहनों से जब आपकी जरूरत होती तब आप बात करते, मित्रों से जब आपको जरूरत होती तब। तो जब आप फील करें इस चीज को कि नहीं, मुझे परमेश्वर के वचन की जरूरत, और ये जरूरत प्रत्येक दिन होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिन हम मनुष्यों से बात करते रहते हैं, तो प्रत्येक दिन परमेश्वर से बातचीत करना जरूरी होती। तो एक समय निर्धारित कीजिए, चाहे वो सुबह का हो चाहे शाम का हो, मगर एक समय निर्धारित, और वो समय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का होना चाहिए और किसी का नहीं, कि मैं ये समय निर्धारित करता हूं और मैं परमेश्वर के वचन को बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी आत्मिकता के साथ इसको पढ़ूंगा और इसको समझूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इस पर चलने की कोशिश करूं, इस पर चलने की। और उसके लिए हमें परमेश्वर से जो है वरदान मांगने चाहिए कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दे, अपनी शक्ति दे, ताकि मैं इस पर चल सकूं। 7वां पॉइंट है यहाँ पर, बाइबल पढ़ने से पहले आप अपने लिए कोई विषय सोच लें। ठीक है, बाइबल आप कहते हैं ना, बहुत से लोग हमें समझ में नहीं आता है, याद नहीं रहती है हमें, बस आप एक विषय सोच लीजिए। मान लीजिए, आपने उदाहरण के लिए मैं आपको एक विषय देता हूं कि आपने कहा कि आज मैं विश्वास के ऊपर जो है परमेश्वर के वचन पे से ढूंढूंगा, विश्वास जो है वो मेरा विषय है, वो मेरा सब्जेक्ट है, उसके विषय पे परमेश्वर के वचन से सीखूंगा कि कहां कहां विश्वास के बारे में क्या क्या लिखा है। जब हम 10 बातें अगर विश्वास के बारे में ढूंढ ढूंढ कर पढ़ते हैं, तो 10 बातों के साथ हमें और भी बहुत सी ऐसी बातें पता चलती हैं परमेश्वर के वचन से, जो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। और जब हमने 10 बातों को ढूंढ लिया और 10 बातों के विषय में हमने पढ़ लिया विश्वास के विषय में, तो उसमें से कम कुछ नहीं तो 4 बातें तो याद रखेंगे आप। अगर आप 6 भूल भी गए तो कोई बात नहीं, 4 बातें हमें याद होंगी। इसलिए एक सब्जेक्ट को चुनिए कि आप किस सब्जेक्ट पे परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं या उसकी उसमें खोज करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका आपको बाइबल पढ़ने का मैं अक्सर आपको बताना चाहता हूं, दूसरा तरीका बहुत वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कि अक्सर मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि बाइबल के कितने भाग हैं, वो कहते हैं 2। बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं, 2 भाग हैं। जब मैं उनसे अगला सवाल पूछता हूं कि कौन कौन से, उनके नाम बताइए, तब वो कहते हैं नया नियम और पुराना नियम। यहां गलत हो जाते हैं। आप कहोगे नहीं साहब, ये तो गलत कैसे हुआ, ये तो बिल्कुल सही है। जी हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो सिस्टम जो जिस तरीके से उसको वैसे ही कहेंगे आप, वहां पर नया नियम और पुराना नियम नहीं कहेंगे, बल्कि पुराना नियम और नया नियम कहेंगे। बाइबल के 2 भाग हैं, पहला भाग पुराना नियम है और दूसरा भाग क्या है, नया नियम। अब अक्सर लोगों से ये गलतियां होती है, मैंने बहुतों से पूछा, बहुत लोगों ने इस बात को क्या है गलत जवाब दिया है, जबकि पुराना नियम और नया नियम होना चाहिए, ये 2 भाग है। और आपको पता है इन 2 भागों के भी 4-4 भाग है, अर्थात पुराने नियम के भी 4 भाग हैं और नए नियम के भी 4 भाग है। जब हम इन 4 भागों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 4 भाग क्या है। जब तक हम इन भागों के बारे में नहीं जानेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं। इन 4 भागों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है
कि ये चार भाग कौन सा है, क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ने बैठते हैं तो आपको ये पता चलता है इन भागों के द्वारा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। पहले मैं आपको चार भाग के बारे में, पुराने नियम के जो चार भाग हैं उनके बारे में बात बताना चाहूंगा। पहले जो है चार भाग जो है, पहले ये पंच ग्रंथ कहलाए जाते हैं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, ये चार भाग जो है, पहला भाग जो है ये पंच ग्रंथ इसको कहते हैं, या मूसा की किताबें कहते हैं, या व्यवस्था की किताबें कहते हैं। ये पांच किताबें हैं जो उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक है, और ये चार, ये पांच किताबें जो हैं सृष्टि के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताती है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की, परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में, कानून के बारे में बताते हैं, और परमेश्वर के लोगों के बारे में बताते हैं कि जातियां जो हैं ये कैसे इस पृथ्वी पर फैली, किस तरीके से परमेश्वर ने बताया, और इसके साथ साथ जल प्रलय के बारे में जो है वो बताते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से इस दुनिया को जल प्रलय के द्वारा नाश किया था नूह के समय में। तो इसके अंदर ये जो पांच किताबें हैं जिसको हम पंच ग्रंथ या मूसा की किताबें या व्यवस्था की किताबें कहते हैं, जो परमेश्वर ने जो है मूसा के द्वारा लिखवाई और इसमें दी है। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एक चीज और है, मूसा ये पांच किताबें जो हैं इसमें जो एक भाग है वो भाग मूसा ने नहीं लिखा, जो जिसको हम बोलते हैं 10 कमांडमेंट्स यानी 10 आज्ञाएं। 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दो बार जो है, दोनों बार परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख कर दी। पहली बार जब लिखी तो वो पट्टियां तोड़ दी थी, आप सबको मालूम है, सब जानते हैं इस बात को। फिर परमेश्वर ने दूसरी बार फिर मूसा को बुलाया और उसको दो पट्टियां फिर अपनी उंगली से लिख कर दी। ये भाग जो है ये परमेश्वर ने खुद लिखा, और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो है वो लिखवाई हैं। और इसमें जो है परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर कैसा जीवन जीना चाहिए, उसकी क्या आज्ञाओं का पालन करेंगे, किन नियमों का पालन करेंगे, किस आज्ञाओं को मानने से कैसी आशीष मिलती है, नियमों को मानने से कैसी आशीष मिलती है, ना मानने से क्या होता है, ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर हैं पहले भाग के अंदर। दूसरा भाग जो है इसको कहते हैं ऐतिहासिक की पुस्तकें। जी मैं पुराने नियम की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक की पुस्तकें कहते हैं। इन ऐतिहासिक की पुस्तकों में ये 12 पुस्तकें हैं, इसमें यहोशू से लेकर और एस्तर तक ये 12 ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। इन ऐतिहासिक पुस्तकों में राजाओं महाराजाओं के बारे में जानकारी दी गई है, और जनरेशन के बारे में बताया गया है, जनसंख्या के बारे में बताया गया, परमेश्वर के लोगों के बारे में बताया गया है, और उनकी उत्पत्ति के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में जो है परमेश्वर ने बताया है। परमेश्वर ने यह भी बताया जिन राजाओं ने उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करा, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन को नहीं जिया, तो कैसे परमेश्वर नाराज हुआ और उन राजाओं को कैसे गद्दी से उतार दिया। तो यहाँ पर जो है पूरा विवरण जो है राजाओं महाराजाओं का और बहुत सी बातों का जो है उसके अंदर है कि परमेश्वर ने किस तरीके से बातचीत करी है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो है ये काव्यात्मक पुस्तकें कहलाई जाती हैं जिसको हम पोइट्री कहते हैं। जी हाँ, ये 5 किताबें हैं जो पोइट्री की काव्यात्मक किताबें कहलाई जाती हैं। इसके अंदर जो है परमेश्वर की स्तुति के बारे में, परमेश्वर की प्रशंसा के बारे में कि कैसे परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, कैसे परमेश्वर की प्रशंसा की जा सकती है, कैसे परमेश्वर की वर्शिप करनी चाहिए, ये जो है ये सारी चीज जो है इन किताबों के अंदर लिखा हुआ है। और परमेश्वर बताता है कैसे कैसे, मतलब परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करना भी हमें आना चाहिए। और इसका जो चौथा भाग है यह है भविष्यवाणी की पुस्तकें। ये भविष्यवाणी की पुस्तकें जो है यशाया से लेकर मलाकी तक, ये 17 किताबें हैं। इसमें से 5 जो किताबें हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे यशाया से लेकर और डैनियल की किताब तक, ये 5 किताबें हैं। ये मेजर प्रोफेट कहलाए जाते हैं, यानी प्रमुख भविष्यवक्ता जो हैं वो कहलाए जाते हैं। ये 5 किताबें उनकी हैं, और छोटे नबियों की जो किताबें हैं ये होशे से लेकर मलाकी तक, ये 12 किताबें हैं। तो टोटल जो है ये 17 किताबें हैं पुराने नियम के, ये पुराने नियम के 4 भाग हैं। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए कि आप जो है भजन संहिता पढ़ रहे हैं उदाहरण के लिए, क्योंकि भजन संहिता सबको बहुत पसंद होता है इसलिए मैंने भजन संहिता का नाम लिया। भजन संहिता पढ़ रहे हैं, आपको आपके घर में कोई आया कि आपको देखा, भाई क्या पढ़ रहे हैं? जी बाइबल पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, बाइबल में क्या पढ़ रहे हैं? जी भजन संहिता पढ़ रहे हैं। अच्छा भजन संहिता पढ़ रहे हैं, अच्छा भजन संहिता मतलब क्या है? अब आपको ये नहीं मालूम कि भजन संहिता है क्या। जब आपके दिमाग में ये रहेगा कि भजन संहिता जो है ये पोएट्री है, ये
काव्यात्मक पुस्तक है, इसमें जो है परमेश्वर की स्तुति के बारे में, परमेश्वर की महिमा के बारे में, परमेश्वर की प्रशंसा के बारे में लिखा है कि कैसे करनी चाहिए। तो उसके बारे में जब ये लिखा तो आपके दिमाग में वही चीज होगी कि परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा के बारे में। मान लीजिए अगर आप इतिहास की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो इतिहास की पुस्तक में अच्छा ये राजाओं महाराजाओं का कथन है, इसके बारे में परमेश्वर ने राजाओं महाराजाओं के बारे में बात करी है। एस्तर की किताब पढ़ रहे हैं, अच्छा एस्तर के बारे में है कि परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों को बचाया और राजा ने कैसे जो है एस्तर रानी की और उसके चाचा की कैसे मदद करी। ये सारी चीजें जो है पढ़ते समय आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठेंगे। मान लीजिए अगर आप गिनती की किताब पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे अच्छा परमेश्वर ने अपना नियम दिया है, जिन्होंने परमेश्वर के नियम को आज्ञाओं को या उसकी व्यवस्था को उसके कानून को तोड़ा है तो परमेश्वर ने क्या दंड दिया है। तो ये जो किताबें हैं पुराने नियम की, ये पुराने नियम के चार भाग मैंने आपको बताए हैं। ये चार भाग जब आप इस तरीके से सोच कर बैठ कर पढ़ते हैं कि आप पढ़ क्या रहे हैं तो आपको अच्छी नॉलेज मिलती है, अच्छा ज्ञान जो है वो आपको प्राप्त होता है और उस तरीके से प्रभु की आशीष भी आपको मिलती है। यदि आपकी और भी कोई समस्या या परेशानी या कोई प्रार्थना निवेदन है या कोई सवाल होते हैं तो आप हमें लिख भेजें, आप हमें बता दें। आज हम बात करेंगे दूसरे विषय के बारे में। दूसरा विषय क्या मतलब, दूसरे भाग के बारे में, यानी नए नियम के बारे में बातचीत करेंगे। यानी नए नियम के जो हैं वो चार भाग हैं नए नियम के, इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए कोई भी बात होती है उसका एक तरीका होता है, एक छोर होता है, कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ खत्म हो रही है, वो चीज होनी चाहिए। बाइबल को पढ़ते समय इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ खत्म होनी चाहिए, उसका एंड क्या होना चाहिए, वो तभी हमें जो है समझ में आती है। ऐसे ही जब हम पुराने नियम के, हमने चार भागों के विषय में बातचीत करी, आज हम नए नियम के चार भागों के विषय में बातचीत करते हैं। इसका जो पहला भाग है वो कहलाया जाता है सुसमाचार का भाग, या सुसमाचार की किताबें कहलाई जाती हैं, जो मती से लेकर यूहन्ना तक है। ये चार सुसमाचार हैं। इन चार सुसमाचार के अंदर जो लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, कैसे बड़ा हुआ और कब उसने बैप्टिज्म लिया, फिर बड़ा होकर कैसे वो पकड़वाया गया, कैसे मारा गया और कैसे गाड़ा गया, कैसे वो जी उठा, वो सारा विवरण जो है। और इसके साथ साथ में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के उपदेश के बारे में भी लिखा गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले भी बनाए और उसने ये भी कहा कि तुम जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए जब हम परमेश्वर के इन सुसमाचारों को देखते हैं तो हम जब परमेश्वर के वचन को उसके इच्छा के अनुसार और उसके उद्देश्य के को लेकर पढ़ते हैं तो हम उसके चेलों में परिवर्तित होते चले जाते हैं। और जब उसके चेलों में परिवर्तित हो जाते हैं तो वो जो सुसमाचार की ये जो चार किताबें हैं उसके उपदेश, उसकी शिक्षा, उसके चमत्कार, उसके अद्भुत काम हमारे जीवन में भी दिखाई देने लगते हैं। तो ये पहला भाग हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है जो हमें समझना चाहिए। दूसरा भाग जो है वो कहलाया जाता है ऐतिहासिक पुस्तक। देखिए पुराने नियम में भी ऐतिहासिक पुस्तकें थी, जो 12 पुस्तकें थी उनका इतिहास अलग है और इसका जो है इतिहास अलग है। ये एक ही किताब है और मैं उस किताब का नाम भी आपको बता देता हूं कि प्रेरितों के काम नामक पुस्तक है। ये प्रेरितों के काम नामक जो पुस्तक है, ये जो ऐतिहासिक पुस्तक कहलाई जाती है, इसको कहते हैं चर्च का इतिहास। ये चर्च का इतिहास है। जी हाँ, किस तरीके से चर्च जो है स्थापित किए गए, जगह जगह पर जाकर चेलों ने करे, पौलुस ने करे, चर्च की स्थापना कैसे करी, उस समय चर्च क्या था, उसकी कंडीशन क्या थी, चर्च की प्रोग्रेस कैसे हुई है, चर्च में कैसे सामर्थ्य के काम होते थे, चर्च में क्या क्या पोस्टें हुआ करती थी, किस किस तरीके से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने चर्च के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर लोगों की नियुक्ति करी है, किस किस पोस्ट पे करी है। अगर सही माने में देखा जाए ना, आप जो चर्च की पोस्टिंग है, पोस्ट दी गई है, जो नियुक्त किए गए हैं, आपको प्रेरितों के काम में भी मिल जाएगा, आपको रोमियो में भी मिल जाएगा, आपको कुरंथियों में भी मिल जाएगा, आपको तिमोथियो में भी मिल जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर ने जो है इन किताबों के अंदर ये दिया गया है कि उसने अपने लोगों को चर्च के अंदर स्थापित किया हुआ है, उनकी नियुक्ति करी है। परंतु उन नियुक्तियों को, उन पोस्ट को आज देखेंगे तो आपको चर्च के अंदर ये चीजें नहीं मिलेंगी, वो पोस्टें नहीं मिलेंगी, बहुत कम, इक्का दुक्का जो है वो मिल गई या दो चार मिल गई, बाकी जो है वो नहीं मिलेंगी, जबकि ये बहुत गलत चीज है।
तो ये जो ऐतिहासिक पुस्तक है प्रेरितों के काम, जिसको कहा गया है ये चर्च का इतिहास है, इस बात को आप अच्छे से समझे। जब आप पढ़ते हैं तो आप ये समझे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, यानी आप चर्च हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पर है, तीसरा जो भाग यहाँ पर दिया गया है, ये पत्रियां कहलाया जाता है। ये पत्रियां जो हैं, ये 21 पत्रियां हैं। ये पत्रियां जो आरंभ होती है रोमियो से लेकर और यहूदा तक, ये पत्रियां जो हैं आरंभ होती हैं और ये 21 पत्रियां हैं। इन 21 पत्रियों में जो है, ये सही माने में अगर देखा जाए, जब आप 21 पत्रियों को पढ़ते हैं तो ये क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल के बारे में बताती हैं कि एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, हमें किस तरीके से इस दुनिया में रहना है, समाज में कैसा रहना चाहिए, हमारा खाना पीना कैसा होना चाहिए, हमारा पहनना ओढ़ना कैसा होना चाहिए, हमारी बातचीत कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में जो है वो लिखा हुआ है कि एक क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए। परंतु अगर आज की तारीख में हम देखें तो हमारा इन पत्रियों में जो क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल है, जो मसीही जीवन एक कैसा होना चाहिए, जो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल अलग हटकर है। हमारा खाना पीना बेकार हो चुका है, हमारा पहनना ओढ़ना बेकार हो चुका है, हमारा बातचीत करने का ढंग जो है वो बदल चुका है, जबकि परमेश्वर ये नहीं चाहता है। तो ये पत्रियां जो है हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है और इसको पढ़ना चाहिए। ये तीसरा भाग है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो ये सारे सोच विचार आपके अंदर आते हैं कि परमेश्वर जो है हमसे कैसा क्या चाहता है कि हम इस दुनिया के अंदर जब तक रह रहे हैं, जब तक परमेश्वर ने सांस दी है, हम जब यहाँ पर रहते हैं तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसा हमारा खान पान होना चाहिए, कैसा हमारी बोलचाल होनी चाहिए, कैसी हमारी भाषा होनी चाहिए, कैसा हमारा पहनना ओढ़ना होना चाहिए, समाज के साथ हमारा कैसा बर्ताव होना चाहिए, परिवार के साथ हमारा कैसा बर्ताव होना चाहिए, बड़ों के साथ हमारा कैसा बर्ताव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर है। और ये बहुत अच्छी बात है जब आप पढ़ते हैं तो ये इस सोच विचार के साथ हम पढ़ें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो जब इस तरीके से पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने का तरीका आता है। चौथा जो भाग है ये है भविष्यवाणी की पुस्तक। ये भविष्यवाणी की पुस्तक ये भी एक है जिसको हम प्रकाशित वाक्य कहते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, ये जो समय चल रहा है, इस समय जब आप मुझे सुन रहे हैं, ये जो आप टाइम पीरियड चल रहा है, ये समय जो है ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा भविष्यवाणी कराई है, ये बहुत सी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी। परमेश्वर के बारे में हम लोग एक चीज और जानते हैं कि परमेश्वर जो है, हम लोग कहते हैं कि हम लोग आज क्या प्रचार होता है, ज्यादातर क्या प्रचार हो रहा है कि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर दयालु है, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। परंतु इसके साथ साथ परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं जलनशील परमेश्वर हूँ, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और वो क्या कहता है कि मैं पितरों का दंड पोतों पर पोतों को दिया करता हूँ। सोचिए, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक वो पुस्तक है कि परमेश्वर का इसके अंदर जलन प्रकट होता है। 7 विपत्तियां ये परमेश्वर की जलन को दिखा रही हैं, परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे ये परमेश्वर की जलन को दिखा रहे हैं। या परमेश्वर की जलन के बारे में भी तो शिक्षा पानी चाहिए कि आखिर परमेश्वर क्यों जलन रख रहा है, क्यों क्रोध कर रहा है, क्यों इतनी भयंकर विपत्तियां इस दुनिया में भेजना चाह रहा है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो परमेश्वर के नियम के अनुसार या परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जी रहे हैं, ये उनके लिए विपत्ति या परेशानी नहीं है। ये उनके लिए है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, ये उनके लिए विपत्ति और मुसीबत जो है प्रकाशित वाक्य के अंदर और बहुत भयंकर लिखी है। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में जो है सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा और बहुत ध्यान से कि कितना प्रकाशित वाक्य कहाँ तक पूरा हो चुका है और कैसे पूरा हो रहा है, परमेश्वर का क्रोध जो है किस तरीके से क्यों प्रकट हो रहा है, क्या कारण है, इन सब बातों की जानकारी जो है हम प्रकाशित वाक्य की सीरीज में जो है वो सुनेंगे और जानेंगे। मगर ये 4 भाग हैं तो आपको बाइबल का पढ़ने का तरीका जो है वो आज हमने आपको बताया है और इसी तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, पास्टर पैट्रिक फ्रांसिस ने जो तरीका बाइबल पढ़ने का बताया वो बहुत सही है। और प्रभु जो है इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।